नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड पे थे हम, ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में हम बात करते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? सबसे पहले तो जो ब्रिज का काम करेगा उसको हम ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। ब्रिजिंग लिगेंड ये क्या चीज होती है? जैसे मान लिया दो सेंट्रल एटम हो, कोबाल्ट और कोबाल्ट, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है, कोबाल्ट एंड कोबाल्ट। अब इन दोनों सेंट्रल एटम मान लिया OH से जुड़े हुए हैं, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड। मान लिया इधर क्लोरीन से जुड़े हुए हैं, क्लोरीन भी क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड है। तो जो दो मेटल को जोड़ रहा है वो आपका जो ब्रिज का काम कर रहा है वो ब्रिजिंग लिगेंड है। बच्चों को इसमें डाउट बहुत आता है, सर क्लोरीन ने दो बॉन्ड कैसे बना लिया, OH ने दो बॉन्ड कैसे? ऐसा इसके अंदर कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर तो इसका वन ही है, हाफ बॉन्ड इधर है, ये हाफ बॉन्ड इधर है, इस तरीके से काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अब भी ये माइनस वन में ही रहेगा, ये भी माइनस वन में ही रहेगा। उसे जैसा ये सिंपल काम करता है बिल्कुल सेम टू सेम वही, बस ऐसे आपको बना के देगा, तब हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड है। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर हम म्यू ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? म्यू। जैसे म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू मान लिया ये लिगेंड होता तो म्यू हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो म्यू क्लोराइडो, म्यू क्लोराइड, ये बताने के लिए है ये जो म्यू लगाया है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आपका और ये आपका क्लोराइड, ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है। ये क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड है, जिसके नाम के आगे म्यू लग गया मतलब ये ब्रिज का काम कर रहा है। मान लिया एक लिगेंड पांच मेटल को, सेंट्रल एटम को जोड़ रहा, तीन को जोड़ रहा, तो क्या करेगा? मान लिया कोई भी लिगेंड L है, इधर इसके M1 मेटल हो, इधर कोई M2 मेटल हो, कोई M3 मेटल हो, तो हम म्यू थ्री लिखेंगे। जब तक दो हैं तब तक हम म्यू के आगे नंबर नहीं लिखते, बाय डिफ़ॉल्ट ये मीनिंग होता है ब्रिजिंग किया है तो दो को तो मिलाया ही होगा भाई, ब्रिजिंग जब भी होगा तो कम से कम दो के बीच में होगा, तो दो है तो म्यू के नीचे लिखने की, जब दो से ज़्यादा जब तीन को ऐड कर रहा अब म्यू थ्री लिखो, चार को ऐड कर रहा है तो म्यू फोर लिख, कितने सेंट्रल एटम को ब्रिज कर रहा है तो वो आपको देखना है उसके, उसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रिजिंग लिगेंड। देखिए इसके अंदर तीन का नाम कैसे लिखेंगे? एक पहला छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आ जाए आपका NH3 4 क्रोमियम OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे Br 4, ये कंपाउंड मान लिया जाए, ये आपका कंपाउंड है इस टाइप का। चलो इसकी जगह ऐसा कर लेते हैं H2 ले लेते हैं, H2O, ठीक, और बाहर SO4 होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये आपको पता चलना चाहिए ब्रिजिंग लिगेंड का केस, कैसे पता चलेगा? ये देखिए ऐसा बना के देगा वो पेपर में, ये आपको बना के देगा। पहली चीज सोल्व हुई कि ये ब्रिजिंग लिगेंड का क्वेश्चन है, सोल्व कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये क्रोमियम का एक्स है तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको भी हमने एक्स मान लिया, इक्वल मान के हम चल रहे हैं स्टार्टिंग में। अलग अलग हो सकता है लेकिन उसके लिए अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे अपने को पता हो सिल्वर का वन होता है ऐसे, लेकिन इनके बारे में अपने को पता नहीं क्रोमियम का कितना है, इसे कितना है, एक बार हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक्स है तो इसका NH3 का कितना हो जाएगा? 4 × 0 × x, इसका -1, क्लोरीन का -1, इसका x 4 × 0
यहाँ पे 2 - 2 = 0। यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। बस ये चेक करो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, क्रोमियम +3 पॉसिबल होता है? सभी बच्चों को पता होगा क्रोमियम +3 होता है, कोबाल्ट भी +3 होता है। तो ठीक है, अपन बस कोई और ऑप्शन है नहीं कि इसका +2 इसका +4 नहीं। अपनों को ये भी पता है कोबाल्ट +4 में नहीं होता है, क्रोमियम भी +4 में नहीं जाता है, मतलब अच्छा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है क्रोमियम की भी। तो अपने को बस ये पता है +3 + 3 आ गया। ठीक है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं तो ये निकाल लो। पहले आप इसका नाम लिख लीजिए, बाद में इसका नाम लिख दीजिए जिस ऑर्डर में। वैसे क्या नाम लिखोगे, 4 है तो टेट्रा, क्या नाम लिखोगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, दोनों है कैटायन के रूप में ही, ऐसा मत बोल देना ये कैटायनिक है तो ये क्रोमियम और ये कोबाल्टेट, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों क्या है कैटायन के अंदर ही है। क्या लिखोगे इसका नाम, क्रोमियम, क्रोमियम 3। फिर आएगा म्यू क्लोराइडो, म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। ये हो गया भाई यहाँ तक का, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में, क्लोराइड मैंने पहले क्यों लिखा अल्फाबेटिकली, उसका नाम जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूँ, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कोबाल्टेट, कोबाल्ट। पीछे क्या लिखोगे, सल्फेट, क्या लिखोगे, सल्फेट, सल्फेटो नहीं सल्फेट लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, सल्फेट लिखा जाएगा। ये ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं जब भी ब्रिजिंग लिगेंड जब आपका आ जाएगा। देखिए इसी के अंदर मान लिया जाए ये क्वेश्चन आ जाए, NH3 4 क्रोमियम OHCl क्रोमियम H2O4 SO4 होल पाइस। अब की बार तो ये भी क्रोमियम है और ये भी क्रोमियम है, तो ये मानने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि ये भी X है और ये भी X है। ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे, ये भी +3 है और ये भी +3 है, ये आपका टेट्रा अमाइन है, ये टेट्रा एक्वा है। ठीक, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड यहाँ पे है, यहाँ भी क्रोमियम यहाँ भी क्रोमियम, आगे नाम लिख दोगे। मान लिया ये ऐसा नाम आ जाए, NH3 4 क्रोमियम OHCl क्रोमियम NH3 4 SO4 होल ट्वाइस। अब की बात देखिए, ये वाला पोर्शन तो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं हो गया। यहाँ भी आप देखोगे +3 में है और ये भी आपका +3 में है। एक तो नाम वही लिखोगे आप, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखते जाओगे साथ साथ में, क्या टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो, सॉरी म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 सल्फेट। दूसरा ये और ये पार्ट सिमेट्रिकल है भाई, क्या करो ब्रिजिंग को सबसे आगे लिख देते हैं, म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, ये द ब्रिजिंग। मैं सीधा लिख दूँ ओक्टा अमाइन, ओक्टा अमाइन डाई क्रोमियम 3, यहाँ पे सल्फेट। ये भी तो सही है, ये ब्रिजिंग है, बता रहा ओक्टामाइन डाइक्रोमियम, दो क्रोमियम है तो एक क्रोमियम उधर रखिए एक उधर रखिए, ओक्टामाइन 4 इसको दे दीजिए 4 इसको दे दीजिए, OH ये ऊपर नीचे लगा दीजिए। समझ रहे हो भाई, फॉर्मूले से आपको नाम लिखना आना चाहिए और नाम से आपको वापस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ होती है। तो सिमेट्रिकल था, इसी में मैं एक और केस आपको डिस्कस करूँ। मान लिया ऐसा आ जाए,
ये सेम NH3 4 CR OH OH CR NH3 4 SO4 होल ट्वाइस। अब की बार देखोगे ये तो पूरा ही सिमेट्रिकल पार्ट हो गया है। पिछली बार तो म्यू क्लोराइड और म्यू हाइड्रोक्साइड लिखा था, तो इसके आप बहुत सारे नाम देखो। पहला नाम तो आप ऐसा लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 सल्फेट। ये क्या करो, डाइहाइड्रोक्स म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो ओक्टा अमाइन डाइक्रोमियम ब्रैकेट के अंदर 3 सल्फेट। एक पार्ट आप ये भी देख सकते, ये इसका आप नाम लिख दीजिए, इसका बिल्कुल सिमेट्रिकल तो है, मतलब दो पार्ट तो आ रहे हैं। ये इसका 20 ले लूं, मतलब 20 ऑफ म्यू हाइड्रोक्साइड, म्यू हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 क्रोमियम 3, ये इसका डबल है भाई। 20 क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी नाम में टेट्रा आ चुका है, डाई यूज करता तो अच्छा नहीं लगता। इसका 20 मतलब ये पार्ट दो बार, पूरा नाम हो गया। बाद में लिख दो सल्फेट, ये भी तो इसका नाम है, कॉम्पैक्ट नहीं। जितना नाम छोटा होता उतना अच्छा रहता है, लेकिन छोटा इतना भी ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन ना दे। ये अपने को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने को पता है ये दो पार्ट है, दो हाइड्रोक्साइड हैं टेट्रामाइन क्रोमियम, ये दो पार्ट हैं। किधर लिखा है, किधर लिखा है, एक हाइड्रोक्साइड ऊपर एक नीचे और बाद वाला तो हम सिंपल लिखते हैं। ये था ब्रिजिंग लिगेंड के सारे केस पॉसिबल जितने होते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि एसिड आ गया हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सब लिखते हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है ऐसे, जैसे मान लिया जाए यही नाम आ जाए H3 FeCN6, ये कंपाउंड जो आपका है वो 3H पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव देगा, एसिड है भाई। आपको दिख रहा, जब भी एसिड होगा तो हाइड्रोजन आगे मिलेगा, कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं एसिड में हाइड्रोजन पीछे वाली साइड मिल जाए। कैटायन के फॉर्म में मिलेगा तो आगे वाले फॉर्म में मिलेगा एसिड जो एच पॉजिटिव देते हैं, तो मतलब ये तो हमेशा मेटल किस में मिलेगी, आपकी एनायन में मिलेगी। लेकिन इस बार एट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसिड है तो नाम के पीछे इक क्या लगेगा, इक एसिड लगेगा, नाम के पीछे क्या लगेगा, इक एसिड। आपको हाइड्रोजन का नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा याद कीजिए H2SO4 क्या नाम लिखते थे इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम लिखते थे इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड लगा देते हैं इस नॉन मेटल के नाम के पीछे, कैटायन का नाम लिखने की जरूरत, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखते इसका अपना। इनऑर्गेनिक का बिल्कुल सेम टू सेम रिलेट कीजिए, तो इसका नाम पहले तो हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कितना, +3। इसका नाम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो फेरस फेरिक जो भी इसका नाम होगा, यहाँ तो फेरिक लिखा जाएगा, फेरिक ब्रैकेट के अंदर 3 फेरिक 3 एसिड। ये नाम आपको ऑटोमेटिकली वही कंपाउंड बना देगा। एसिड का मतलब तो एच पॉजिटिव होगा। अब आपने देख लिया इसके अंदर आयरन है और ये है, चलो आयरन है और कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, ये बन गया बात। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। आपको पता है इसका -6 तो इसका है, 6 है -6 इसका है। आयरन +3 में है, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो मन तो क्या इस फॉर्मूले से भाई, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर करना पड़ेगा। 6 माइनस में है, आयरन तुम बता रहे हो +3 में, चलो -6 इसका +3 इसका, अभी -3 को बैलेंस करने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे, +3 चार्ज, और किसका लगाऊँ, सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन क्या लगाऊँ,
पता चल रहा नहीं एसिड है तो एच लगेगा, कितना एच लगा दो तीन, बस ये हो गया नाम। कितना सिंपल है देख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो नाम। हम नेक्स्ट जो इसमें बात करें भाई, ब्रिजिंग लिगेंड है उसी बारे में बात कर ली हमने, एसिड के बारे में बात कर ली। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मान लिया दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया ये आ जाए CrH2O6 CrCl6, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक, क्या मानो X, इसको भी क्या मानो X। बच्चे को उसी टाइम डाउट आ जाता है सर मेटल अलग अलग होती तो भी आप एक बार तो एक्स ही मान के करते, और बाद में निगलेक्ट करने का कोई ऑप्शन होता तो करते भाई। जैसे मान लिया आयरन होता और आयरन के लिए तुम्हें प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती, फिर तो तुम क्या करते हो उसको रॉन्ग प्रूव करके भी सही करते, शुरू में तो हम एक्स एक्स इक्वल ही मान देंगे। यहाँ से आप निकाल के देखोगे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +3 +3 आ जाए, आप इसका नाम अलग लिख दीजिए, इसका नाम अलग लिख दीजिए, इसका नाम नहीं मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा मैं इसका नाम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्रोमियम 3 पिछवाड़े का नाम हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट 8 क्यों लगाया भाई, एनायन में हो गया ना, बात खत्म। कुछ भी नहीं है यदि आपने स्टार्टिंग का रूल ले लें, नॉर्मल क्लेचर से आसान कोई टॉपिक नहीं। देखिए CrH2O6 CO Cl6, इसका नाम देखो, शुरू में आप ऑक्सीडेशन नंबर एक्स ही मान के काम करना पड़ेगा, तुम अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान के काम किया तो ये भी आपका +3 में आया, ये भी आपका +3 में आया, इस बार यहाँ कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो नेमिंग होती है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो भी आप नाम लिख सकते हो, और कोई बड़ी चीज़ ये है नहीं, बहुत सिंपल है नॉर्मन क्लेचर है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये आपका टोटल जितना नॉर्मन क्लेचर है वो हो गया, इसमें नॉर्मन क्लेचर में और कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ यही था। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए NCERT के अंदर। ठीक, कई बार क्या होता है नेम से फॉर्मूला या फॉर्मूले से नेम दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, कई बार जैसे ये आ जाता है, देखिए मान लिया आपको सिंपल इसका नाम दे दिया जाए Fe(CN)6 3-, कि नाम बताइए। अब ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, और आयन में भी क्या है ये आप समझते हो, ये एनायन है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन के पार्ट में थी, तो इसका नाम लिखिए। सबसे पहले आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर दैट आर +3, निकाल के देखोगे क्या नाम लिखोगे आप इसका, इसका नाम लिखोगे हेक्सा एक्वा फेरेट 3 आयन। यदि आयन है तो आयन साथ में लिखोगे आप, समझे, जैसे मान लिया आ जाए Fe(H2O6)3+। अब की बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालोगे +3 आएगा, क्या लिखोगे, अरे ये एक्वा नहीं है, साइनाइडो था यार, गलती से लिखा गया, हेक्सा साइनाइडो, इसके अंदर हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयरन। ये नाम से आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कैटायन में है या एनायन में, ये पता चला भाई आयन है, या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। आपने यहाँ चेक किया आयरन लिखा हुआ, मतलब ये कैटायन में रहा होगा, कैटायनिक पार्ट रहा होगा, तो इसमें कैसा पूरी एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज रह गया होगा। और ये देखोगे यहाँ पे 8 लिखा देख के क्या बना लोगे आप, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि ये एनायन वाला पार्ट रहा होगा। जैसे देखिए इसी के अंदर हम कुछ नाम से कंपाउंड करते हैं, मान लिया अपने पास नाम दे रखा हूँ
और उससे अपने को कंपाउंड पूछा जाए। ठीक, पूछा जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऐसे नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो जैसे नाम अपने पास है पोटासियम, पोटासियम हेक्सा साइनाइडो प्लेटिनेट, ऐसा कंपाउंड आया तो भाई आपको क्या क्या देखना है। पहले देखो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, हेक्साइनाइड एक ही है सी एन, और सी एन का मैं जानता हूँ माइनस वन चार्ज होता है। पोटासियम यहाँ पे के पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये आपका किस में है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका एनायनिक पार्ट में रहा होगा, क्योंकि कैटायन तो ये आ गया के पॉजिटिव, ये एनायन तो नहीं हो सकता नहीं कभी भी। ठीक है, हेक्सा है तो छः हो गया आपका, प्लेटिनम सी एन सिक्स, ये बना लीजिए पहले तो भाई कितने के लगाने हैं वो यहाँ से पता चलेगा। प्लेटिनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब माइनस छः तो यहाँ से आ गया और प्लस फोर इसके ऊपर है, तो कितना बचा माइनस टू, तो कितने के लगाऊँ, दो के लगा दो, ये आपका कंपाउंड है के टू पी टी सी एन सिक्स, के टू पी टी सी एन सिक्स, समझ लें एक बार अच्छे से, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर देखते हैं, मतलब नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम दोनों आपको आने चाहिए। टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो, ये कंपाउंड आ जाए टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। ठीक है, क्या चीज़ है भाई, सेंट्रल एटम कितना है निकल है, लिगेंड क्या है कार्बोनाइल है, कितने हैं चार है, केटायन एनायन कुछ पता नहीं चल रहा, केटायन नहीं है ना एनायन है, इसका मतलब तो न्यूट्रल रहा हो। ठीक है, एनआई लिख लिया, सी ओ फोर लिख दिया, बात खत्म, इसमें तो क्यों चार्ज बैलेंस तो करना ही नहीं, क्योंकि ना केटायन है ना एनायन है, बहुत आसान है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लिया आ जाए टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा जिंक टू सल्फेट, अब की बात देखिए क्या चीज़ है, टेट्रा एक्वा मतलब लिगेंड से नाम लिखना शुरू किया है, मैं जिंक ये रहा होगा H2O के चार रहे होंगे और सल्फेट, ये सल्फेटो नहीं है सल्फेट है, इसका मतलब तो ये एनायन है, तो मतलब ZnH2O। अब मैं ये देखूँ कितने लगाऊँ एनायन, ये देखिए जिंक पे कितना चार्ज रहा होगा प्लस टू, इस पर कितना चार्ज है जीरो, तो कितने लगाऊँ सल्फेट, एक ही सल्फेट लगा दो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। कोई बोले इसका इवन बेसिक नंबर बताइए, इवन बेसिक नंबर, इवन बेसिक नंबर और कोऑर्डिनेशन है, इवन बेसिक नंबर, इवन बेसिक नंबर आर प्लस टू, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर आर फोर, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल तरीके का। तो आयन का कैसे लिखेंगे, एसिड का कैसे लिखेंगे, ब्रिजिंग का कैसे लिखेंगे, और दोनों कोऑर्डिनेशन पार्ट है तब आप नाम कैसे लिखेंगे। ये जो पार्ट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर बेस्ड है। ये था आपका कंप्लीट नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर के बाद जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो थे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होती है, और आज के टाइम पे जितने भी तुम देखोगे बायो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, केमिस्ट्री में नहीं मिलते आजकल, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है बायो केमिस्ट्री में मिलता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेटेस्ट केमिस्ट्री बोलते हैं, बहुत पहले से ये केमिस्ट्री नहीं थी, अभी मतलब इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई है, और सारे नोबेल प्राइज इसी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का भी एक पार्ट बायो केमिस्ट्री उसमें मिलते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि क्लोरोफिल है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। बहुत सारे तुम देखोगे
चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रोइंग फील्ड इसका होता है। तो इसको जब साइंटिस्ट ने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले इसके रूल नॉर्मल केमिस्ट्री से अलग चल रहे थे, तो इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला गया था। तो इनकी बॉन्डिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। और पहला नोबल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में मिला था वो ना शायद 1970 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1970 के आसपास जाके मिला था, मतलब बहुत लेट। इस पर कोई ज़्यादा रिसर्च पहले नहीं हुई थी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करेंगे सबसे पहले बॉन्डिंग की, ठीक है। अपने को नाम इसलिए लिखना आना चाहिए भाई, नाम के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो क्या चाहिए। तो चैप्टर में यहाँ हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसको, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है, सबसे पहले तो एक आया था रूल EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN बार बार यूज करेंगे हम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN रूल था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उसके बाद पहला साइंटिस्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट आर वार्नर की थ्योरी आई थी। उसके बाद VBT, लाइनियस पॉलिंग याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो लिखने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड लास्ट CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये मान के चला गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आयनिक कंपाउंड की तरह क्रिस्टल बनाता है, जैसे आपने NaCl ZnS टाइप का क्रिस्टल पढ़ा था, वही क्रिस्टल। लेकिन सॉलिड स्टेट पे वो थ्योरी लगभग 20 साल पहले काम कर रही थी। उसके बाद इनऑर्गेनिक पे ध्यान गया कि अच्छा शायद ये यहाँ भी तो लग सकती है, बहुत डिफरेंस है। लिख लें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसी बच्चे को VBT का नाम नहीं याद तो वो लिख लें, मैं बोल देता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड लास्ट एडजस्टेड CFT और MOT, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में। तो अपने को सिर्फ चार ये पॉइंट पढ़ने हैं, EAN रूल, वार्नर थ्योरी, VBT एंड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बॉन्डिंग बहुत सिंपल आप पार्ट है, ज़्यादा टाइम किसी में भी नहीं लगने वाला है, दो लेक्चर का मुश्किल से ही पार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसने जैसे ये कंपाउंड लेके आए K4 Fe CN6, एग्जांपल से समझाऊं। उसने बताया कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब देखिए आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे, यहाँ से +2 आएगा। Fe की बात करो, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ Fe नहीं है, यहाँ Fe +2 है। क्या है? Fe +2 है, तो 26 में से 2 गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। क्या 24 ही नहीं, अरे भाई ये साइनाइड भी तो इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही रहा है। एक साइनाइड कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। साइनाइड याद होगा मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 Cl, कितने, 6 × 2, एक लोन पेयर एक साइनाइड देगा, 2 × 6 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए कितना हो गया, टोटल आप लिखो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम और कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लोन पेयर डोनेट किए। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालो, कोई मैं बोलूँ दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन,
ये है ऑक्सीडेशन नंबर क्या के माइनस, क्यों भाई प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यदि ये माइनस का होता है यहाँ माइनस टू लिखता, माइनस टू आता ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब होता दो इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ऑटोमेटिकली, फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने निकाल के देखा 26 माइनस 2 प्लस 12 दैट आर इक्वल टू 36, दैट इज इक्वल टू 36। तो ऐसे ईएएन निकालते हैं, क्या निकालते हैं ईएएन। अभी रूल नहीं पढ़ा है क्या है, रूल तभी बताऊंगा, तो पहले तो भाई ईएएन है क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दैट आर कैलकुलेटेड एज ईएएन। कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबका सबको आइडिया भी होगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, सी डॉट एन को लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने बताया था चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए गए थे, पाँच या छः कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइडेंटिफाई हुए थे, जो ये सिंदूर वगैरह लगाते हैं ये बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, और इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, जैसे प्रूशियन ब्लू एंड टर्नबुल ब्लू, ये बहुत एंशियंट टाइम में मेडिसिन वगैरह में यूज भी होते थे वहाँ पे, लेकिन इनका बारे में बॉन्डिंग नहीं पता था, तो इनकी ये पता चल गई थी कुछ दिन बाद कि इनकी बॉन्डिंग अलग है। तो तब ये देखा गया था कि जितने भी कंपाउंड थे उनका ईएएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाता है, किसके जब पास जाता नियरेस्ट नोबल गैस। थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमने प्रूव किया था कि कोई चीज़ बॉन्ड क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है, नोबल गैस कौन गैस के लिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए। तो यहाँ भी यही पाया गया था स्टार्टिंग में कि जो कंपाउंड हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस टाइम पे, आज से 200 साल 100 साल पहले, उनका ईएएन सभी का नोबल गैस के बराबर होता था, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर पाया जाता था। तो लिखिए ईएएन, ईएएन ऑफ सेंट्रल मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फाउंड इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस, इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस एंड द कंपाउंड विच हैव दिस प्रॉपर्टी, विच हैव दिस प्रॉपर्टी आर फॉलो ईएएन रूल, आर फॉलो ईएएन रूल। भाई ईएएन रूल क्या है, जिसमें आपका सेंट्रल एटम नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या है ईएएन फॉलो कर रहा है, यदि नहीं आ रहा तो ईएएन फॉलो नहीं कर रहा। दूसरी थ्योरी दी, हजारों थ्योरी दी रखी है, ऐसा नहीं है एक ही थ्योरी है, चार तो अपने सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ के फोर एफिशियन सिक्स, तुम खुद निकाल के देखोगे, एंड के थ्री एफिशियन सिक्स, फटाफट निकाल के देखें कौन ईएएन फॉलो कर रहा और कौन नहीं कर रहा। यहाँ आयरन का सिर्फ सेंट्रल मेटल का ईएएन निकालते हैं, ईएएन यहाँ पे मैंने ईएएन निकाल के देखा, यहाँ पे आप निकाल के देखोगे प्लस टू में है, 26 माइनस टू प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। यहाँ पे तुम देखोगे 26 माइनस थ्री दैट 26 माइनस थ्री 23, 23 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 35। देख लीजिए ये नोट फॉलो ईएएन रूल, नोट फॉलो ईएएन रूल, अरे ईएएन रूल कुछ नहीं होता, ये नियरेस्ट नोबल गैस के पास हो। नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन तुम्हें बता दूं, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनोन का 54 होता है, आरएन का कितना होगा, आरएन का तुम निकालोगे 86 होगा। तो ये, तो यदि सेंट्रल मेटल का ईएएन इनके बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो आपका ईएएन रूल फॉलो कर रहा है, वो आपका ईएएन रूल फॉलो कर रहा है। और यदि नहीं आ रहा तो ईएएन रूल फॉलो नहीं कर रहा। ईएएन कैसे निकालते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा ईएएन रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा एक क्वेश्चन इससे बनता है, तो इसमें टोटल मिला के दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम फटाफट ये बताओगे कि ईएएन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे उसका EAN फाइंड आउट भी करना है तुम्हें, और यहाँ पे बताना है रूल के बारे में, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है तो अब टिक लगा दे, नहीं कर रहा तो अब क्रॉस लगा दे। जैसे पहला कंपाउंड है NiCO4ZnH2O6Cl2ZnH2O4Cl2 KMnO4, देखिए पहला निकल 28 ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 0 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 28 और 8 36, यहाँ पे जिंक प्लस 2 में कितना बच गया, प्लस 2 में 30 में से 2 गया, 30 में से 2 जाएगा तो 28 बचेगा, 28 बचा तो क्या हो जाएगा, 28 × 12 = 40 आ जाएगा, यहाँ पे 28 + 8 = 36 आ जाएगा। यहाँ पे Mn निकाल कर देखोगे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आएगा, कितना आ जाएगा +7, KMnO4 ही तो है ये, +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, +7 Mn +7 में गया तो 25 में से 7 गया कितना आ जाएगा 18, कितना है ये 30 आया, मतलब ये EAN रूल फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में अपने पास जो कंपाउंड थे ज़्यादातर कार्बोनाइल थे, कार्बोनाइल आज भी EAN रूल फॉलो करते हैं, कार्बोनाइल आज भी हम ये बोलते हैं कि EAN रूल फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करें और कंपाउंड की, आपको EAN निकालना हो, कार्बोनाइल ज़्यादातर कार्बोनाइल EAN रूल फॉलो कर लेते हैं, ये कंपाउंड है, आप इसका निकाल के देखोगे निकल जीरो में है, निकल जीरो में है और कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे कितना आ जाएगा 36। Mn -1 में यहाँ पे आके बच्चा एकदम फिर मेटल नेगेटिव में जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल नेगेटिव में जा सकता है, हाँ जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल नेगेटिव में जा सकता है बिल्कुल, और ये नेगेटिव में है। Mn के पास कितने होते थे 25, एक और आ गया नेगेटिव मॉडल 26, 10 यहाँ से आ गया दैट इज 36। क्रोमियम देख लीजिए 24 किसमें है जीरो में, 12 उधर से आ गया दैट इज 36। वेनेडियम कितना होता 23 एक और आ गया 24 एंड 36। आज भी हम ये बोलते हैं क्या कि जो ये होते हैं आपके कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड रूल फॉलो करते हैं। अब भी हम ये बोलते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपका EAN रूल फॉलो करते हैं, EAN रूल फॉलो करते हैं, EAN रूल निकालना है। कई बार कार्बोनाइल में देखिए कैसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना देता है, कार्बोनाइल में लिख लें कार्बोनाइल फॉलो EAN रूल, कार्बोनाइल फॉलो EAN रूल, अब बस कई बार क्वेश्चन देगा VCOX -1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब बताइए बच्चे के पास कोई भी दुनिया का तरीका नहीं है एक्स फाइंड आउट करने का, भाई कार्बोनाइल है -1 है, क्या दिमाग, जैसे यहाँ फंस जाओ आप कहेंगे कितने लिगेंड है अपने को नहीं पता नहीं कितने, EAN रूल लगेगा भाई सबसे पहले वाला देसी जुगाड़, क्या वेनेडियम का होता कितना 23 एक या आ गया 24, कितना बना नियरेस्ट बताइए 24 के नियरेस्ट 36, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ 12 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। लो ऐसे भी हम करते हैं, समझ गए, ऐसे भी हम करते हैं। और जो ये होता है ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बताता है, तो लिखें EAN रूल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड कंपाउंड के रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बताता है। जैसे ये आया K3 FeCN6, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया था लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग सीख की कि वहाँ भी नोबल गैस बनाएंगे तो इधर भी नोबल गैस बनाना चाहिए। वो अलग बात है, दोनों कंपाउंड अलग, दोनों की बॉन्डिंग बहुत खतरनाक तरीके से अलग आई। यहाँ पे एफ ई में निकाल के देखा सभी ने, 35 आया। कितना आया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखा भी गया ये एक्चुअल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसका कितना है? इसका 35 है ये, तो 36 करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस करेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना। अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, अपने आप को रिड्यूस प्लस 3 से किस में करेगा? प्लस 2 में कर लेगा, मतलब ये FeCN6 2 नेगेटिव में जाना चाहेगा, नहीं सर 4 नेगेटिव में। यहाँ पे ये FeCN6 3 नेगेटिव में, ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेते हैं वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर बोल देते हैं स्टेबल नहीं है। आप देखोगे ये 23, ये 12, 35, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करके वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल एनायन में जाएगा। किसका काम? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन पे हम काम करेंगे। तो आपका EAN रूल पूरा हो गया। EAN रूल क्या है? वो ये बोलता है कि EAN ऑफ सेंट्रल मेटल, जो EAN होगा सेंट्रल मेटल का, वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए। ऊपर या नीचे है तो वो कोशिश करता है उसमें आने के लिए, या ऑक्सीडाइजिंग या रेडिएशन नेचर का काम करता है। कार्बोनाइल ज़्यादातर ये फॉलो करते हैं। EAN एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जाने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो लेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिए। ये EAN रूल सबसे पहली थ्योरी थी, वो खुद सोचे थे हमने, देखो रिलेट किया है। वहाँ भी हमने ये बोला था कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा, यहाँ भी हमने बोला था नोबल गैस। और स्टार्टिंग में वही कंपाउंड अपने को मिले थे, लेकिन बाद में कंपाउंड डिस्कवर हुए बहुत सारे, तो हमने भी देख लिया। जैसे ये है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो ये है, तो यहाँ तक करें आराम से। तो नोमेनक्लेचर में सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इंडेक्स सोल्ड अनसोल्ड पूरा कर लें। नेक्स्ट टाइम से आपका चैप्टर अच्छे से शुरू होगा।